फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल करेंसी टेक्निकल में। और फ्रेंड्स, आज की जो ताज़ा खबरें हैं वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आरबीआई से रिलेटेड भी है और फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर जो सबसे चिंता का विषय है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और फैसला आया या नहीं आया, क्या हो रहा है। तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में कवर किया था कि ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन ना तो बैन होने जा रहा है, ना लीगल होने जा रहा है, ना इलीगल, बस सिर्फ डेट पर डेट मिल रही है, वो चीज़ आप लोग देख रहे हैं। और अभी क्या हुआ है फ्रेंड्स कि 17 सितंबर दो तीन दिन बाद फिर से सुनवाई होगी और जो भी चीज़ें आएंगी वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फ्रेंड्स। तो यही है आरबीआई सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड न्यूज़। अगली खबर फ्रेंड्स बहुत ही धमाकेदार निकल करके आ रही है फिलीपींस कंट्री से। जैसा कि आपको पता है फिलीपींस में ICO, क्रिप्टो करेंसी या एक्सचेंज, सभी चीज़ें वहाँ पर रेगुलेट हैं। तो वहाँ पर एक PDEX नया एक्सचेंज लॉन्च हुआ है जिसको फिलीपींस की गवर्नमेंट ने, वहाँ की कंट्री के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने लीगल कर दिया फ्रेंड्स। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद में न्यूयॉर्क से एक खबर आ रही है कि न्यूयॉर्क में फ्रेंड्स की आपको पता है न्यूयॉर्क में क्या होने जा रहा है कि दो स्टेबल कॉइन है, जैसे USD डॉलर कॉइन एक है, आपने देखा होगा कि चाहे बिटरेक्स पे हो, पोलिनेक्स पे हो या OKX पे हो, सभी एक्सचेंजों पे क्या है कि USD या TUSD दो कॉइन ऐसे होते हैं जो स्टेबल कॉइन है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डंपिंग पंपिंग नहीं देखते हैं और ये स्टेबल कॉइन कहे जाते हैं। तो इसी तरीके से न्यूयॉर्क में अभी दो नए कॉइन लॉन्च हुए हैं। इसमें क्या है, जेमिनी डॉलर के नाम से जाना जाता है एक कॉइन, इसको वहाँ पर रेगुलेट किया गया है। और उसके बाद में पैक्सस स्टैंडर्ड, ये दूसरा कॉइन का नाम है और ये दोनों स्टेबल कॉइन रहेंगे, तो इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, इनको रेगुलेट कर दिया गया है। उसके बाद में यूनाइटेड अरब अमीरात से जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त है कि वहाँ पे जो भी ICO आएंगे वो फुल रेगुलेशन के साथ में आएंगे, मतलब वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर दिया गया है और ICO भी रेगुलेट कर दिए गए हैं। जो भी ICO नया लाना चाहता है उसको अथॉरिटीज से, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर आपको परमिशन लेनी होगी, उसके बाद में आपको ICO ला सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो भी स्कैम फ्रॉड होते हैं ICO में वो चीज़ें कम होगी। तो न्यूयॉर्क का ये ज़बरदस्त डिसीजन है और यूनाइटेड अरब अमीरात का भी ये एक अच्छा डिसीजन है। और फ्रेंड्स एक अच्छी खबर ये निकल करके आ रही है कि KuCoin एक्सचेंज है, आपको पता है KuCoin एक्सचेंज बहुत बड़ा एक्सचेंज तो नहीं कह सकते हम, लेकिन एक ठीक ठाक एक्सचेंज है, अच्छा एक्सचेंज है। उसने क्या किया है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ में इसकी डील हुई है और ये अपना बिजनेस अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ में करने जा रहे हैं, एक्सपेंड करने जा रहे हैं, जो कि $3 मिलियन के आसपास हुई है। तो ये एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज KuCoin यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। उसके बाद में फ्रेंड्स कनाडा से बहुत ही धमाकेदार खबर निकल करके आ रही है। आपने अभी तक सुना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे लोग करते हैं, और अब म्यूचुअल फंड जो है वो फ्रेंड्स बिटकॉइन वाला म्यूचुअल फंड आ गया है। जी फ्रेंड्स, बिटकॉइन म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे लॉन्च किया गया है कनाडा कंट्री में। तो आप समझ सकते हैं कनाडा में क्रिप्टो करेंसी हो या माइनिंग हो या ICO हो, जितनी भी चीज़ें हैं कनाडा में लीगल है और कनाडा में बिटकॉइन के ATM भी लगे हुए हैं। तो बिटकॉइन म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो चुका है, ये पहले ऐसा कंट्री है जहाँ पर ये बिटकॉइन म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो रहा है। आई होप इसी तरीके से दूसरे कंट्री भी नकल करेंगे और आने वाले टाइम में बिटकॉइन म्यूचुअल फंड हर एक कंट्री में शुरू हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स खबर है कनाडा कंट्री से। उसके बाद में यूक्रेन कंट्री को कौन नहीं जानता, बहुत ही छोटा और नॉर्मल कंट्री है। अगर हम इसकी बात करें तो क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है पूरी तरीके से, और जो भी क्रिप्टो करेंसी में आप अर्निंग करेंगे, सालाना हो या 2 साल 3 साल 4 साल में जो भी आपकी अर्निंग होगी उसमें 19.5% का टैक्स आपको पेड करना होगा। जी हाँ, 19.5% का टैक्स लगाया है यूक्रेन की गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए। जो भी क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, जो भी आप अर्निंग करते हैं उसमें 19.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगली खबर फ्रेंड्स ये है कि बिटकॉइन जो 1000 गुना, लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन 1000 गुना जाएगा या नहीं जाएगा और 10x जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 2-3 साल पहले $50, $100 का रहता था तो लोग उम्मीद करते थे कि $10,000, $15,000 जाएगा, लेकिन अभी जो मानना है एक्सपर्ट का वो 100 गुना ना जागे, यहाँ पर अभी 10x की उम्मीद करते हैं, मतलब $6,000-$7,000 के आसपास में है, $50,000-$60,000 के आसपास जाना चाहिए, ये एक्सपर्ट का मानना है फ्रेंड्स। और लास्ट खबर जो है फ्रेंड्स चिंता का विषय है कि ईथर कॉइन जो है वो $1,400 से डायरेक्ट धीरे धीरे डंप कर गया और अभी लगभग $150-$180 के आसपास चल रहा है। तो इसमें होने वाला क्या है, आपको सेल करना चाहिए, बाई करना चाहिए या क्या है, ईथर जीरो हो जाएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन के बाद में ईथर कॉइन ही एक ऐसा कॉइन है जो सेकंड नंबर पर रैंक करता है, बहुत ही अच्छा कॉइन है और इसकी टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस कॉइन के डीप में बारे में बात करें
तो ईथर कॉइन ऐसा एक कॉइन है जो ERC20 बेस्ड टोकन पे काम करता है और इस पर बहुत सारे ICO आए 2017 में और 2016 में। अब फ्रेंड्स रेट इसका गिरा क्यों इतना, जो मेरा ओपिनियन है और जो एक्सपर्ट का ओपिनियन, कुछ लोगों का ये मानना है फ्रेंड्स, मैं जो अपनी ओपिनियन शेयर करता हूँ कि इसमें ICO रिलेटेड बहुत सारे फंड इसमें रेज हुए। हुआ क्या फ्रेंड्स कि जो ICO स्कैम हुए, जो MDO ने क्या किया, जो ईथर स्कैम हुआ, ईथर में फ्रेंड्स क्या किए, उन्होंने फंड रेज किया। अब उनके पास जब ईथर कॉइन हो गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं जब स्कैम कर दिया तो वो सेल करना चाहते थे, उन्होंने सेल किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ईथर कॉइन सेल कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जहां पर ज़्यादा सेलिंग होगी ईथर कॉइन, जितने भी ICO थे बहुत सारे 90% स्कैम करते हैं, तो उन सभी लोगों ने क्या किया, सेल किया ईथर कॉइन को और प्राइस आप देख सकते हैं यहां पर डंप किया। और अभी एक खबर ये भी निकल करके आ रही है कि लास्ट वीक में फ्रेंड्स क्या हुआ है कि $30 मिलियन का, जी हाँ $30 मिलियन के इथेरियम कॉइन सेल किए गए हैं लास्ट वीक में, एक वीक में सिर्फ। तो पिछले हफ्ते लगभग $200-$250 $300 के आसपास था और अभी आप देख रहे हैं कि लगभग $125 के आसपास चल रहा है। तो आप समझिए कि इतना ज़्यादा जब सेल होगा तो आप क्या होगा, रेट डाउन होगा ऑटोमेटिक। और जो लोग अगर बोल रहे हैं कि इथेरियम जीरो हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इथेरियम जीरो होने की बहुत ही कम चांसेस हैं, जीरो नहीं होगा। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, डिमांड भी बहुत अच्छी है इसकी, बट रीजन सिर्फ एक है कि 100-150-200 सतोसी पिछले साल था ये, लेकिन ICO की वजह से इतने ज़्यादा ICO आ रहे थे कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई और डिमांड बढ़ने की वजह से ये 1200-1300-1400-1450 तक गया था इधर। और वजह यह है डंप करने की कि सभी जितने भी ICO थे 90% स्कैम किए, तो उनके MDO ने क्या किया, उसकी ICO ये जो भी ईथर था उसको सेल किया, तो कहीं ना कहीं प्राइस डंप होगा। लेकिन अगर आप लोग एक यहां पर इनकम करने का एक अच्छा मौका है, बाई करने का आपके पास, तो आप लोग देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और रिसर्च करने के बाद में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईथर में। ईथर जीरो नहीं होगा, स्कैम नहीं होगा, ये चीज़ हम मान सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लेटेस्ट न्यूज़, आप लोगों के लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।